इंडिया अगर ना देखें जी सुपर पावर है, ये 3 महीने से स्टैंड ऑफ जारी है, 3 महीने से उन्हें पता है जी कि इंडिया अगर ना जो है वो हमें थप्पड़ मार मार के मार देगा, तो जरूरत क्या पंगा लेने की, मतलब उड़ना नहीं आता तो क्यों उड़ते हैं। इससे चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया इसने ले लिया है। पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा। चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है, क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। चीन को ये भ्रांति है कि भारत एक छोटा सा देश है फिलीपींस जैसा, जो कि दादागिरी सह लेगा, धक्के खा के चुपचाप सिमट के कोने में बैठ जाएगा, तो ये भारी भूल है चीन की। ये 1962 का भारत नहीं है। लद्दाख के बॉर्डर कमांडर लेवल की कोई मीटिंग हो रही थी टेंशन को ईज करने के लिए, चाइना कि वो आया है, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वायलेशन की है, ये वहां पे क्लैश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है, ये दूसरा है, पहले क्लैश के अंदर तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया था, और अभी वहां पे असला इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ये हाथों की लड़ाई है जी वहां पे, जो कि दोनों अफवाह लड़ रही हैं चाइनीज, वो जो है इसमें बुरी तरह फ्लॉप और बेनकाब हुए। अच्छा रिजवान साहब, देखें टेंशन तो है, होता ये है वो जो मैं सियाचिन में रहा हूँ, मैंने ऑपरेट किया है कोई एक साल, हमने वो एरिया को मैं बड़ी अच्छी बखूबी जानता हूँ। होता ये है जो इस टाइप के जो ग्लेशियर्स टाइप के एरियाज होते हैं, जो वहाँ पे जब कोई भी कैप्चर कर लेता है तो वो वकेट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान आप देख लें, हमने 3 जंगें लड़ ली हैं, और हिंदुस्तान का और हमारा मुवाजना आप करें तो वो भी एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना। तो एग्जैक्टली मैं एक एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे साथ सियाचिन में किया था, फिर दोबारा हमें वो पोजीशंस लेनी बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था वो कर लिया, अब चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं, पूरा निगोशिएट जो वो कर रहे थे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, जो वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गए हैं, वो जो चाह रहे हैं कि जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाए। चाइना के पास जो ऑप्शन है वो ये है, पहली ऑप्शन तो ये है कि वो फुल फ्लेज उसको रिटेलिएशन पे जाए और इसी पे जंग लड़े, और इंडिया को भी ये पता है कि वो लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पोजीशंस हैं। दूसरी ऑप्शन ये पास ये आ जाती है कि वो जो एरिया है, जो कम स्ट्रेंथन एरिया है हिंदुस्तान की तरफ से, जहाँ पे कम मिलिट्री की प्रेजेंस है, वहाँ पे कोई एडवेंचर करे। जो अगर आपको याद हो, जो CDS जो है हिंदुस्तान के जनरल बिपिन ने भी एक बताया था कि हम मिलिट्री वेंचर कर सकते हैं अगर ये स्टेटस को ना होता, तो अगर इन केस हिंदुस्तान की जहां लेस प्रेजेंस है वहां इन चाइना को मिस एडवेंचर करता है। लेकिन फिर दूसरी चीज उनके जेहन में ये भी होनी चाहिए, वहां पे थिंक टैंक्स प्रिवेल करते हैं, वो ये भी सोचेंगे क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है, और अगर वो ये इसका बदला लेते हैं यहीं पे इस प्रेजेंट एरिया में, वो नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफिकल एरिया की लोकेशंस और उसकी प्रॉब्लम बता दिए हैं कि जो डोमिनेंस जो डोमिनेंट प्लेसेस होती हैं उनको नहीं कर सकते, और जो दूसरा लेस ऑक्यूपाइड एरियाज हैं वहां पे वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक उसका जो फॉल आउट आएगा, जो चाइना चीज को अफोर्ड कर सकेगा, वो एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर है जो मेरा नहीं। अच्छा होगा क्या, अभी देखें मेरे ख्याल के अंदर ये ऐसा ही चलता रहेगा, छोटी मोटी टेंशन हैं टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ये चीज चलती रहेगी, दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे अपना चाइना के उनको फेस सेविंग भी चाहिए, पब्लिक जो है एक उनकी पब्लिक और एक उनका मीडिया, वो उनको कंपनसेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरीके से मोदी साहब की पर्सनैलिटी है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे वो नहीं जाएंगे कि वो जंग पूरी फुल फ्लेज हो जाए। ठीक है, तो चाइना की ये भी तो कोशिश हो सकती है ना कि मैं मैक्सिमम स्पेस गेन कर लूं, कि उसके बाद अगर मुजाकरात हों भी ड्यूरिंग स्नोफॉल और दोनों साइडें अपनी अपनी पोजीशन पे दबक के बैठी हों, तो उस वक्त जो है वो मैं अपर हैंड पे मुजाकरात की टेबल पे जाऊं, ये इस तरह की भी तो कोई मूव हो सकती है। ऐसी मूव 2 दफा हो चुकी है, आपको याद होगा इंडिया ने सियाचिन में की थी, पाकिस्तान ने कारगिल में की थी। ठीक है, पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा, हमारी सप्लाई से वापस आ गए, और हमने वो चीजें वो जगह छोड़ दी जहां से इंडिया का हमने रब्ता सियाचिन के साथ बिल्कुल अपने सामने रखा हुआ था,
और जब चाहे मर्जी किसी को रोक लेते आप, ऊपर कोई नहीं जा सकता। प्रॉपर प्लान, अब तो ये साबित हो गया ना कि हमने जो कुछ किया था वो भी हमने अपने किया, अपने प्लानिंग के साथ ही था। नहीं नहीं बात नहीं, सप्लाई फिर आप सिक्योर करते हैं ना पहले। इंडिया ने हेलीज के जरिए सप्लाई सिक्योर की ना सर? नहीं, हेलीज के जरिए तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप भी तो सियाचिन के साथ उन्होंने वो ऐसी तरह पहुंचे थे जब बर्फबारी थी और पाकिस्तान को सरप्राइज मिला था जब ऊपर वो पहुंच चुके थे। चाचू हम तो नीचे रह गए। चाचू चंद एरोनॉटिकल माइल के ऊपर से करदू मौजूद था। इंडियन एयर फोर्स जब वहां पे आके MiG-29 मार रही थी तो हम क्यों नहीं अपने F-16 मार सके वहां पे? मेरा ख्याल है कि अगर आपको याद हो कि जब कारगिल हुआ है तो उस दिन अगर आपको वो तकरीर याद हो शहबाज शरीफ साहब की जो उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पे फरमाई थी, आप और हम सारे कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे, सामने कंटेनर पे शहबाज साहब थे और उन्होंने नारा लगाया था और हमने भारत का एक तैयारा गिरा दिया कारगिल में। मेरा ख्याल है वो भूला नहीं होगा कोई। नहीं तो ये तो लेकिन उन्होंने वो भी तकरीबन जंग का स्टार्ट हो चुका था। छोड़े ये इस बहस को, लेकिन इंडिया ने भी अब वहां तक अपना ग्रिप तो कर ली है तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान नहीं। अब मुझे पता चला है इंडियन सबसे ज्यादा गालियां हमारे गेस्टों में से जिसको देते हैं वो चाचू है। कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे उनकी गालियां खा के कुछ ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया चूंकि अपर हैंड पे है, इससे चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया ने ले लिया है। ये चीजें कुछ उसके साइडवेज भी हो रहा है। आप वो लतीफा और विंग्स भी हैं। आप वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक साहब को एक गाड़ी टक्कर मार गई तो वो उठ के तो रोना शुरू हो गए। उसने कहा यार शुक्र करो जान बच गई। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी के पीछे लिखा था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, तो ये दोबारा आएगा। चाइना जो है, अगर उनकी ये गलती, इसलिए एक चीज समझने वाली बात है, अमेरिका इस वक्त फार ईस्ट में जिस तरह उनको घेर रहा है, जिस तरह पूरी बहरिया अमेरिका की उस इलाके में बेड़े जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां पे उनको घेरा हुआ है, ठीक, चाइना का इस वक्त पूरा जो है वो सी पैक रूट जो है उसको उन्होंने सेव करना है। सही, ये बात अब समझ लेनी चाहिए। ठीक, कोई चाइना को, हर मुल्क को हक है कि वो मुतबादल रास्ता अपना क्लियर रखे। सही, चाइना को सी पैक क्लियर रखना है। सी पैक क्लियर रखने के लिए स्कर्दू लद्दाख ऊपर सारा इलाका जो है वो जितना उनका ज्यादा कंट्रोल होगा उतना सी पैक महफूज होगा। तो उन्होंने भी अपनी चीजें देखनी है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही सामने आएंगी। अभी तो लगता है कि पता नहीं कुछ ये कोई फैसिनेटेड चीजें हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि सब जुड़ा हुआ है आपस में पूरा इलाका, पाकिस्तान इंडिया चाइना। ये ऊपर से तो आप नक्शे में देखें तो बिल्कुल करीब है सारा कुछ। भट्टी साहब ना को ये उसको वो पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया। उनका ख्याल ये था कि हम रूटीन में जाएंगे, दो चार गोले वो हाथ पर ला मारेंगे, इंडिया अगर दबुक के पीछे हो जाएगा। इंडिया अगर ना देखें जी सुपर पावर है, ये 3 महीने से स्टैंड ऑफ जारी है। तीन महीने से उन्हें पता है जी कि इंडिया अगर ना जो है वो हमें थप्पड़ मार मार के मार देगा तो जरूरत क्या पंगा लेने की, मतलब उड़ना नहीं आता तो क्यों उड़ते हैं।